न जोगे न समाधि ना। बहुत काल तक कोई अगर योग साधन करे तब भी श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने का जो फल उसको उसके साथ समान नहीं किया जा सकता। अनायासेनम तत्सर्वम्। तो बता रहे हैं कि अनायास में ही अनेक दिन तपस्या और अनेक दिन योग साधन करने के जो फल है ये क्या होता है ना, श्री सप्ताह भागवत कथा श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार न प्रेतो न पिशाचो व राक्षस वासुरो अपि। बता रहे हैं कि कोई अगर प्रेत है, पिशाच है, भूत प्रेत भी है, ये भी अगर इस कथा को श्रवण करेगा तब भी इसका कल्याण होगा। तो बता रहे हैं कि सर्वदा सदा दुराचार रथाभिमान कृतम्। बोलने की जय मानवम सर्वदा पाप कृता, मतलब हर समय क्या करते हैं, वो पाप कृत में रत होते हैं। जो मनुष्य हर समय पाप ही करते हैं, कभी पुण्य पुण्य से उनसे कोई लेना देना नहीं, और सर्वदा सदा दुराचार, सदाचार नहीं सर्वदा दुराचारी, दुराचारी मतलब अन्य अन्य स्त्री संग लंपट आदि कार्य करते हैं, और गता बीमार गता, जो शास्त्र में विधि और निषेध को बताया गया है, विधि को तो ग्रहण नहीं करते, बीमार कर यानी जो निषेध को ग्रहण करते हैं। और बता रहे हैं कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। क्रोधाग्नि दग्धा, हर समय क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध रहते हैं, और कुटिलाश्च कामिना, कुटिल प्रकृति, उनका मन में हर समय कूट नीति आदि उनके मन में हर समय चलता रहता है। और कामिना, कामिना यानी काम परायण। बोले सप्ताह जगेन पलो पुनर्दिते। कलिकाल में अगर सप्ताह यज्ञ यानी सात दिन के भागवत कथा अगर वो श्रवण करे तो कलो पुनर्दिते, उसको कलिकाल में क्या हुआ ना, उद्धार हो जाएगा। नारद जी सुन के बड़े आश्चर्य हो गए, बोले कि ना तपस्या से इसका फल को आप तुलना कर रहे हो, योग से भी इसका फल को, योग साधना से भी इसका फल को आप तुलना कर रहे हो, और क्या ना भूत प्रेत ना न प्रेत न पिशाचो ने राक्षस वास रहे, तो कि प्रेत पिशाच जोनी में भी हो सकता है, कि इसका कोई प्रमाण है। चतुसंग बोल रहे हैं हाँ इसका एक प्रमाण है, तो इसके आगे कथा श्रवण कर रहे हैं कि गोकर्ण धुंधुकारी चरित्र यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे गोकर्ण धुंधुकारी चरित्र शुरू करते हैं उससे पहले जय ध्वनि देते हैं और श्रीमद् भागवतम की जय, और शुरू करते हैं कि एक कर्नाटक में तुंगभद्रा नाम का एक नदी है, उस नदी के तट प्रदेश पर एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम है आत्मदेव, और उसी ब्राह्मण का तेज सूर्य के समान वेद परायण है, बड़े तपस्वी है और बड़े धनधान्य है, अनेक धन संपत्ति होने के कारण भी पौरोहित है यानी जो पुजारी आदि के काम ये सब करते हैं, और बहुत उनके पास धन संपत्ति है और बहुत नाम भी है, बहुत जस भी है। और उसी समय उनका एक पत्नी, उनका एक पत्नी का नाम है धुंधली। तो बता रहे हैं कि धुंधली का स्वभाव क्या है, ये पति तो हर समय धर्मनिष्ठा पुराण है लेकिन धुंधली का जो स्वभाव है वो पूरा उपजी है, पति से वो पूरा उपजी है। बता रहे हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता रता, हर समय इधर उधर की बातचीत, लोग से इससे चुगली करना, इसके ये ले लेना, इसको करना, ये हर समय इसमें रता, रता मतलब इसमें पूरा डूबा हुआ रता, यानी उसको उसको जो ही प्रिय रहता है, कलह प्रिय। और बता रहे हैं प्रयास बहु बहु जल्पिका, ये क्या हर समय करते हैं, जल्प प्रजल्प, हर समय इधर उधर की उत्पटन के बाद सबसे करते रहते हैं। और क्या है ना सुराज गृहवृत्ते कृपणा कलह प्रिया, कृपणा यानी कंजूस, और कलह प्रिया बड़े झगड़ा रहने वाली है ये धुंधली। तो इनका हर प्रकार का सुख होने के बाद भी इनका एक पुत्र संतान नहीं था, इसलिए ये हर तरीके से दुखी थे, और संतान प्राप्त के लिए इन्होंने बहुत सारा धर्म याजन किया, बहुत सारे सारे तपस्या, बहुत सारे सारे दान भी किया, ब्राह्मणों को दान किया और यज्ञ भी करवाया, और यहाँ तक कि इनके जितने भी सत्कर्म में संतान प्राप्ति के कर्म में इनका बहुत सारा आधा धन भी खर्च हो गया, फिर भी बहुत उपाय कर लिया, फिर भी उनका कोई संतान नहीं हुआ। एक समय ये बड़े दुखी हुए संतान प्राप्त में,
संतान मोह में ये वन में चले गए, और वन में चले गए चलते चलते दोपहर के समय हो गया, और जैसे ये क्लांत हो जाते हैं इनको बड़े तेज से प्यास आता है। तो प्यास जैसे लगा इन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण ने एक वहाँ पे पुष्करिणी था, तो वहाँ पे उसी पुष्करिणी पे उस कुंड पे जल पीते हैं और क्लांत होने के कारण उसी कुंड पे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। तो उसी मार्ग में वन में एक सन्यासी विचरण कर रहे थे, और सन्यासी ने इनको देखा, और सन्यासी का जो हृदय हृदय क्या है अवनीत समाना, तो उनके हृदय हर समय क्या होता है ना पर दुखे दुखी, हर समय पर दुख में वो दुखी रहते हैं। तो उन्होंने भी पानी ग्रहण किया, जल ग्रहण करके उनको पूछते हैं कि ब्राह्मण हो आप, तो ब्राह्मण होते हुए भी आपका किस क्या ऐसा असुविधा हो गया कि आप रो रहे हो, आपका दुख का कारण क्या है। तब आत्मदेव उसी सन्यासी को जैसे ही थोड़ा थोड़ा तो रो रहे थे, जैसे उस सन्यासी को देखते हैं संत को देखते हैं वो प्रणाम करते हैं और बहुत जोर जोर से फिर वहाँ पे क्रंदन करना शुरू करते हैं। अब जैसे क्रंदन करके वहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे हर तरीके से मैं सुखी हूँ, धन संपत्ति आदि सब कुछ है, यश है, और मेरा धर्म पत्नी भी है, लेकिन मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है। पुत्र संतान के लिए मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी कोई पुत्र संतान हमारे घर में नहीं आ नहीं जन्म ले रहे, और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज पितृगण भी हमारे हाथ से जल ग्रहण नहीं करते, श्राद्ध तर्पण आदि हम सब करते हैं, लेकिन पूर्व पुरुष हमारे पितृ लोग ये हमारे हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करते, श्राद्ध भी ग्रहण नहीं करते, और देवता लोग और ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग हमारे हाथ से कुछ भी ग्रहण करने के लिए बड़े असंतुष्ट होते हैं। और यहाँ तो देवता की बात तो छोड़ो, मैं घर में कोई गाय भी ले जाता हूँ, वो गाय भी क्या होता है ना बांझ हो जाता है, तो गाय का भी कोई पुत्र संतान नहीं होता है, और गाय के बात तो छोड़ दो, मैं घर में कोई वृक्ष भी लगा देता हूँ उसी वृक्ष भी कभी फल नहीं देती है, और वृक्ष की बात भी छोड़ दो, बोल रहे हैं कि मैं घर में अगर कोई बाजार से या कहीं से मैं फल लेके आता हूँ वो फल भी सड़ जाता है, इसी प्रकार का मेरा दुख है। अब मैं इस जीवन को त्याग कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पुत्र विहीन जो जीवन है वो बड़ा क्या है दुखमय है। तब सन्यासी तो सब जानते हैं, सन्यासी हर समय से विरक्त है, संसार के हर क्रिया से वो ऊपर है, विरक्त है। तो उन्होंने सन्यासी ने उनको समझाने की कोशिश किया कि मुंचन ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठ कर्मणागति विवेकम तो समासाध्यम तेज संसार वासना। मुंचन ज्ञान यानी पुत्र प्राप्ति के मोह, इसको क्या करो त्यज, इसको आप क्या कर दो ना इसको छोड़ दो। कोई पुत्र संतान जगत में किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई धन भी किसी को जगत में सुखी नहीं दे सकता, ना पुत्र संतान सुखी दे सकता, ना घर गृहस्थ आदि कोई भी चीज सुखी नहीं दे सकता। और बलिष्ठ कर्मणागति ये सब क्या है ना कर्म के गति है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में वो सुकृति के अनुसार इस जन्म में उतना मात्रा में ही उसको प्राप्त होता है जितना ये उसके भाग्य में है। तो इसी प्रकार ये जो कर्म का गति है बड़ा गहना है, भगवान भी गीता में कहते हैं गहना कर्मणा गति। तो इस जन्म में मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका अगले 7 जन्म तक भी पुत्र संतान का कोई भी योग नहीं है, तो ये क्या कर दो ना मुंचे ज्ञान त्याज, आप ये पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है जो वासना है उसको क्या कर दो ना त्याग करके, क्या करो ना विवेक को तुम समासाध्यम, विवेक यानी ज्ञान, ज्ञान हृदय में धारण करके उसको संसार तेज संसार वासना है, संसार की जो वासना है संसार के जो दुख है उसको छोड़ के भगवान के भजन कर, इस प्रकार का वो शिक्षा देते हैं। और बता रहे हैं कि सप्त जन्म विधि तो पुत्र नैवच नैवच, कि 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र संतान नहीं हो सका, नैवच नैवच। और बता रहे हैं कि उदाहरण देते हुए बोलने की सगर महाराज उनका 60,000 पुत्र था, पुत्र होने के कारण भी वो बड़े दुखी थे, चित्रकेतु महाराज जी ने उनकी भी पुत्र संतान नहीं हो रहा था, जब पुत्र संतान हुए तो वो भी बड़े दुखी हुए थे। इसीलिए जगत में कोई भी पुत्र क्या करते हैं ना जगत में उसको किसी को सुख आदि प्रदान नहीं कर सकते।
उल्टा दुख का फियर नॉट, उल्टा दुख का कारण ही होता है। तब वहां पे क्या श्री आत्मदेव और जोर जोर से रोने लगा और बोल रहा है कि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप मेरे 7 जन्मों के भाग्य अगर देख सकते हो तो आप निश्चित रूप में मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, क्योंकि आप संत लोग हो, आप निश्चित रूप में मेरे ऊपर कृपा करो। आप अगर कृपा नहीं करोगे तो मैं अभी यहाँ पर ही क्या करूँ ना, अपना प्राण को त्याग कर दूँ। और सन्यासी तो जा रहे थे अपने रास्ते में, सन्यासी संत हृदय नवनीत समान, उनके हृदय पूरा मक्खन जैसे अति कोमल और अड़े दयालु संत। तो सोच रहे कि मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ गया, अब इसको कृपा करना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने फल दिया और बोले कि ये फल को लेके तुम अपने संत को सब जानते ही हैं, तो बोलना कि पत्नी को दे देना। और देने के बाद एक पत्नी को बस फल खाने से नहीं होगा, उनको बोलना सदाचारी रहेगा, बड़े धर्म प्रदान रहेगा, सत्यवादी बनेगा, क्योंकि सारे के सारे विपरीत है ये धुंधुली ना सत्यवादी, हर समय मिथ्या कलह प्रिया और धर्म निष्ठा जाजन में उसका कोई भी रुचि नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने फल तो ले लिया और घर में जैसे ही जाते हैं बोले सुन रहे हो, धुंधुली को जोर जोर से बुला रहे, बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। अब धुंधुली आके देखा बोले क्या लाए हो, बड़े उत्साह से आया। तो उन्होंने जैसे ही फल लिया तो धुंधुली बोले मैं तो सोच रहा था कि मेरे लिए कोई सोने चांदी हीरा जवाहरात लेके आओगे आप ही का क्या साधारण से फल लेके आए, मैं तो वो सोच रहा था। तो धुंधुली की बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ये फल कोई साधारण नहीं है, इसके खाने से क्या होगा, पुत्र संतान प्राप्त होगा। तब धुंधुली बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? अब उसके सखी एक सखी को धुंधुली का एक दासी को वो धुंधुली बोल रही है कि देखो सुना है ये गर्भ पीड़ा जो प्रसव पीड़ा ना बड़ा कष्टदायक है, अब जिस समय अगर इसको खा लूंगा इस संत का फल, अगर सचमुच में ये गर्भ में क्या होगा मेरा पुत्र आ जाएगा तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी खान पान भी नहीं कर पाऊंगा, और खान पान नहीं करूंगा तो खाना पीना तो छूट ही जाएगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे छूट जाएगा मेरा उदर मतलब मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और मैं चल नहीं पाऊंगा। अब तो ये बता जब गाँव में अगर किसी कारणवश अगर डकैत आ गए तो मैं उनको बचने के लिए कैसे भागूंगा। तो इसी सब दुष्ट मूर्ति इस सब दुष्ट बुद्धि को लेके वो चिंता कर रहा है और बोल रहा है कि देखो मैंने सुना है सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भ में बहुत साल तक रुके थे, अगर ये पुत्र मेरे पेट में अगर बहुत साल तक रुक गया तब तो मेरा हो गया। तब इसने बोला कि मैं ये नहीं ग्रहण करूंगा। तब अगर पति ने अगर पूछेंगे बोल दूंगा हाँ ग्रहण खा लिया लेकिन मैं इसको नहीं खाऊंगा। तब इस प्रकार आत्मदेव ने पूछ लिया कि तुमने वो फल ग्रहण कर लिया, हाँ ग्रहण कर लिया, झूठ बोल दिया। कुछ दिन के पश्चात उसके छोटे बहन घर में आती है और छोटी बहन को भी ये धुंधुली सारे के सारे ये चरित्र सारे के सारे अपने मन की दुख की बात बोलते हैं। तो जैसे ही बोलती है धुंधुली तो उसकी छोटी बहन उस समय गर्भवती थी, तो उसकी छोटी बहन ने बोला कि देखो दीदी कि मैं आपको क्या करूंगा, मेरे पुत्र आपको दे दूंगा, आप कुछ दिन तक आपने उधर जैसे गर्भवती के जैसा आप क्या करो मेंटेन करो और मैं कुछ दिन के पश्चात मेरा जो पुत्र संतान प्राप्त होगा मैं दे दूंगा, आप उसके बदले से मेरे पति को कुछ धन दे देना। तो ये बात थोड़ा पक्का हो गया और फल का क्या किया जाए, तो उनकी छोटी बहन बोल दे कि देखो इसको हम क्या करते हैं ना परीक्षा करते हैं ये सच में हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या करो ना गाय को खिला दो। तो फल को उन्होंने गाय को खिला दिया और यहाँ पे धुंधुली ने गर्भवती जैसा एक्टिंग किया और उनके जो छोटी बहन उसकी जो छोटी बहन थी काल क्रम में उसने एक पुत्र संतान जन्म दिया और उसको काल क्रम में लेके आके धुंधुली को प्रदान किया और उसका नाम रख दिया धुंधुली का पुत्र होने के नाम से उसका नाम रख दिया धुंधुकाली। और ये धुंधुकाली बड़ा दुष्ट था और बता रहे हैं जिस फल को जिस गाय को खिलाया था उस गाय ने भी एक संत का फल है दिया हुआ फल तो निश्चित रूप में कार्यकारी होगा। तो उसके प्रभाव से एक बड़े सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ गाय के गर्भ से ही और उसका दिव्य शरीर था दिव्य तेज था बड़े सुंदर महापुरुष का गुण था उसके उनके शरीर में और उसका कान गाय के कान जैसा होने के कारण उसका नाम हुआ गोकर्ण। अब गांव में चारों तरफ फैल गया कि ये देखो कि आत्मदेव के घर तो क्या हुआ
सुनने में सुहागा हो गया। कहते इसका पत्नी पहले बांझ थी और अब इसमें पत्नी ने भी पुत्र संतान दिया और इसके गाय भी एक पुत्र संतान दिया जिसके स्वरूप मनुष्य जैसा है और उसका कान गाय जैसा है। तो सब लोग देखने आए तो वहां पे बता रहे हैं कि गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधुकारी महाकुल। गोकर्ण महापंडित महापंडित बने और ये धुंधुकारी महाकुल। महाकुल मतलब हर तरीके से कुकर्म करता था। बता रहे हैं कि ये महाकुल यानी हर समय स्त्री संग करना, चोर रंपट आदि करना और किसी के पुत्र को लेके उठा उठा के कुएं में फेंक देना, किसी के घर से चोरी कर देना और इस प्रकार का बड़े बड़े धूर्त कर्म, बड़े बड़े खराब कर्म, ये पाप कर्म ये धुंधुकारी करता था। तब तो उसी समय गोकर्ण बड़े पंडित थे और बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी थे क्योंकि संत के प्रसादी हैं वो, लेकिन धुंधुकारी महाकुल बड़ा दुष्ट था। तब तो इस प्रकार का दुष्ट देख के श्री आत्मदेव ने अपने आप को बड़े धिक्कार करते हुए बोला कि इससे अच्छा तो मेरा पुत्र संतान नहीं हो रहा था, अब इस पुत्र संतान कुपुत्र हो गया है और इस पुत्र संतान से बड़े दुखी हुए और दुखी होके वो क्या करें, अब क्या करूँ क्या करूँ बोल के शोक में वहाँ पे निमग्न हो रहे। उसी समय गोकर्ण उनके पुत्र वहाँ पे आते हैं और बोलने बोले पिताश्री आप इतना शोक क्यों करते हो। तो वहाँ पे गोकर्ण ने श्री आत्मदेव को उपदेश प्रदान किया, बता रहे कि असार फल संसार दुख रूपी विमोह सुतः कस्य धन कस्य स्नेहवान ज्वलते। ये संसार क्या है ना, असार, ये क्षण भंगुर है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य संसार है और इसी अनित्य संसार में आप भी कहां से नित्य हो सकते हो, आप भी अनित्य हो। तो इसीलिए दुख रूपी विमोह का ये जो आपकी जो मोह है ये क्या है, हर समय आपको इसी संसार में दुख ही प्रदान करेगा और कभी भी आपको सुख नहीं देगा। बता रहे हैं कि सुतकस्यम धनकस्यम, क्या धन सुख दे सकता है, क्या आपको पुत्र सुख दे सकता है, कोई भी आपको सुख नहीं दे सकता। स्नेहवान ज्वलते, किसी प्रकार के भी स्नेह आपको कभी भी सुख नहीं देगा, उल्टा ही आपको क्या करेगा इस संसार में दुखी प्रदान करेगा। न चंद्रशम सुखम किंचि सुखम चक्रवर्तिना। बोलते हैं कि जो इंद्र है स्वर्ग में वो इंद्र को भी सुख प्राप्त नहीं है, वो इंद्र भी सुखी नहीं है। न चक्रवर्ती ना, जो चक्रवर्ती राजा है उनका भी किसी ना किसी माध्यम से उनको दुख मिलता है, उनको भी सुख नहीं मिलता। तो बोलते हैं सुख किसको मिलता, सुखम अस्ति विरस्तस्य मुने एकांत जीविना। केवल एक ही व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी व्यक्ति को सुख मिलता है ना, मुने अत्यंत जीविका मतलब मुनेर कांत जीविका जीवन, जिसका जीवन मुनिमय हो, मुनिमय मतलब जिसका प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ हो और जिसका चित्त हर्षण है क्या करे ना, भगवान के भजन में लगे हुए हो, तो वही उसको ही केवल सुख प्राप्त होता है। तब इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं तो वहाँ पे ये आत्मदेव पूछते हैं कि अभी मेरा क्या कर्तव्य, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तब तो उन्होंने उपदेश देते हैं कि देहे अस्थि मांस रुधिर अभिहितम तेजोत्तम, कि देह के जो शरीर की जो अस्थि मांस रुधिर का ये जो रुधिर मतलब रक्त का ये जो हार्ड मांस और रक्त का ये शरीर को क्या करना चाहिए, हमें इसमें किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं करना चाहिए। तेजत्वम और जाया सुताम दिशु मता ममंत विमुंच, जाया यानी पत्नी और सुता यानी पुत्र, इसका जो ममता है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, न त्याग कर देना चाहिए। पश्य निशम जगदीशम क्षण भंगुर निष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्त निष्ठम, आप क्या कर हृदय में वैराग धारण करके न पश्यम निशम जगदीशम, हर समय दीवानी सी इस जो क्षण भंगुर संसार जो अनित्य असार संसार है इसमें केवल एकमात्र उपाय है भगवान के भजन करना, इसलिए है पिताश्री आप संन्यास ग्रहण करके भगवान को भजन करने के लिए चले जाओ। अब आत्मदेव इस प्रकार का अपने पुत्र से गोकर्ण से उपदेश प्राप्त करके ये क्या किए ना, वन को चले गए और यहाँ इसके इनके पश्चात धुंधुकारी ने धुंधुली को बड़ा पिटाई किया और चोरी आदि का सारे के सारे संपत्ति को हड़प लिया और धुंधुकारी ने धुंधुली को बोला कि संपत्ति कहाँ रखे हो माता, बोल दो
नहीं तो आपको मैं मार दूंगा। तब डर के मारे सारे के सारे संपत्ति कहाँ कहाँ है धुंधुली ने बता दिया। और बड़े दुखी हुआ, बड़े दुखी होके कुएं में कूद के उसने अपना प्राण त्याग कर दिया, आत्महत्या कर दिया। और इसके पश्चात मुझे कथा है कल सुन कर हरी कृष्ण। इसके बाद में देखो ये जो महात्मा है ना, ये एक ही बात को बहुत बार सुना है, इसलिए इसको टॉपिक बदलाओ, इसलिए इसको कोटी कथा मैंने बहुत बार रिवाइज हो बुझे ला लोकमान कोटी कथा सुन 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 नया कथा नया बोलते भागवत अलग। जैसे कल कल जैसे बेड़ी को तो बता रहे थे उसको बाद में अगर बोल सकते हो। शाम को तो है ही थे तुम तो कौन कर कौन तैयार करते लो। हाँ नारद चरित्र भक्ति देवी को फाकी ना दोनों का जैसे गोटी कथा ना बार बार इसलिए तो गोटी कथा भी बार बार मन ना किया। रोज 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 एक एक श्लोक को रोज रोज बोलने का ठीक। और जब उदाहरण तो देखो देखो एक चीज समझो, ये जो श्रोता लोग है जो कोई एकदम अच्छे तरीके समझो, जो श्रोता लोग है ये पुराना श्रोता, जो नए व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए तुम कुछ जानते नहीं उनके लिए कोई बात, जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ बारम्बार बोलने पर ना डर तो जो सुनने वालों को ना नहीं करता। एक श्लोक एक भी बोलो तो हमारे तुम्हें गोस्वामी में तुम्हें ग्रंथ रखना चाहिए इसको कोई भान एक श्लोक इतना कर दो तो फिर दूसरे एक ही चीज़ देखना बारम्बार आती है। और ये सब पूछना श्रोता है तरह को अच्छा नहीं। और जो उदाहरण है ना बहुत ज़्यादा बाहर का उदाहरण नहीं है, क्या होता है भक्ति से कोई बाहर सुना ज़्यादा दुनिया के ज़्यादा उदाहरण नहीं देना चाहिए, भक्ति का उदाहरण होना चाहिए और लिमिटेड होनी चाहिए। तो कोई चीज़ को ज़्यादा अगर रिवाज कर दें तो सुनने वाले ना उनको इतना अच्छा नहीं। ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिखा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वरूप श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जयभागी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर किसने श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया है कि ध्यान देकर सुनो सब काम की बात है, इसलिए प्रभुपाद को अलग अलग समय पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रश्न किया है, इसलिए जितनी भी जो बात है हम साधन भजन में कैसे पढ़ सकते हैं इसमें बताएगा। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, कहाँ पर इसलिए किसने प्रश्न किया कहते वैष्णव लोगों का छिद्र कारा देखे, मतलब वैष्णव का जो छिद्र मतलब कमी कौन देखता है, कहते जरा हरि भजन विमुख जादेरे बाह्य विचारे प्रतारित चक्षु कर्ण नासा प्रवृत्ति संबल
ताराई वैष्णव छिद्र अनुसरण करे। यदि वैष्णव का दोष कौन देखता है? यदि वैष्णव का दोष वही देखते हैं जो लोग हरि भजन से विमुख है, मतलब जिनको भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज्यादा बाह्य विचार प्रताड़ित, जिनकी बाह्य विचार में है जो प्रताड़ित व्यक्ति है, मतलब बाहर का विचार में जो लोग उसी में ही ज्यादा डूबे रहते हैं, कहते उनका जो आँख है, उनका जो कान है, उनको जो नासिका है, ये जितना क्या बताएं, कोई लोग वैष्णव का जो छिद्र है, छिद्र समझते हैं, उन वैष्णव का जो कमी है वही लोग ही दर्शन करते हैं, हैं? इसलिए कहते हैं जो लोग हर समय प्रभु का भजन में डूबे हुए, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, उनको समय इधर उधर की बात करने के लिए उनको समय कहाँ है, दूसरों को दोष देखने का उनको समय नहीं मिले, इसलिए कभी करेंगे नहीं वो लोग, हैं? लेकिन जिनका भजन से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं जिनकी है, तब भी उनका आँख कान चक्षु जाता है, दूसरों को दोष देखने में तब भी जाता है, हैं? इसलिए लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ जैसे गुरुदेव कभी वैष्णव कभी शिष्यों का शासन करते हैं, मतलब वो जो शासन करते हैं कहते उनकी उपकार ना करें, उनकी मंगल को सोच करके, अगर इनको शासन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भक्ति छोड़ करके ये माया में डूब जाएंगे, वो उनकी कल्याण को सोच करके वो शासन करते हैं, हैं? उनकी मंगल को सोच करके। लेकिन इसके सिवाय जो दूसरे व्यक्ति जो करते हैं उनकी ईर्ष्या और द्वेष करके उनको ये उनकी छिद्र उनकी कमियों को दर्शन करते हैं। गीता श्री कृष्ण बोले छे भगवत भक्त कखनो अमंगल है ना तादर कखनो विनाश ना। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, कहते जो भक्त लोगों का है ना, भगवान कहते ना हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कौनते हम प्रतिज्ञा नहीं हमें भक्ता परण सकती, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं। जब बोले अर्जुन को तुम प्रतिज्ञा करो, इतने में अर्जुन कहते बोले प्रभु मेरे से क्यों प्रतिज्ञा कराते हो, आप ही प्रतिज्ञा करो ना आपका भक्तों का विनाश नहीं होगा। बोले अर्जुन मैंने बहुत बार किस किस बात को मैंने प्रतिज्ञा की है, लेकिन जब मेरे भक्तों कोई चीज की प्रतिज्ञा करता है मैं अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ, अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा करेगा तो उसको मैं जरूर पालन करता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञा करवाया क्या है, मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं, भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है, उनका कोई विनाश नहीं होता है। इसलिए न मैं भक्ता प्रणति जरा अनन्य भजन करे तारा की कफनो अधपति तत्ते पारे तारा निश्चय मंगल लाभ करे। यदि जो व्यक्ति अनन्य रूप में भगवान की भक्ति करते हैं और कोई दूसरे देवा देवी को नहीं एकनिष्ठ होकर के भगवान का सिवाय और किसको जानते नहीं, ऐसे जो भक्त है कहते भैया ऐसे भक्तों का क्या होता है, कहते कभी उनका क्या पतन हो सकता है अधपतित तो हो सकता है, कहते नहीं कभी भी ऐसे भक्तों का अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है। आमादर दृष्टि था खराब ऐ जने आमी अपर दोष देखी ताई नीचे मंगल लाभ करते पारे ना। यहाँ पर कहते हैं हमारी जो दृष्टि है ना वो हमारी दृष्टि अच्छी दृष्टि नहीं है, कहते हमारे दृष्टि का खराब, हमारी जो दृष्टि ही खराब दृष्टि है। इसलिए क्या होता है हम क्या करते हैं दूसरों को दोष देखते हैं, इसलिए जो दूसरों को दोष देखते हैं कहते भैया इनका कभी अमंगल उन्हें कभी मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि जब दूसरे को दोष देखोगे फिर क्या होगा उसको चिंतन करो उसकी दोष को विषय पर चिंतन करो, चिंतन करोगे तो फिर दिमाग में क्या चलेगा वही चीज चलते रहे, वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। इसलिए कहते भैया इसलिए बंगला में एक कहावत है बोले चाचा अपनी बच्चा, ये बंगला में कहावत चाचा अपनी बच्चा, चाचा को कहते भैया खुद को खुद बचाओ, तुम खुद को खुद बचाओ दूसरों को दोष नहीं देकर खुद को खुद बचाओ। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज को अगर कोई दूसरे के कुछ बुराई करने के लिए आते हैं ना
वो जोर जोर से बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हैं। कोई अगर किसकी बारे में बुराई करने के लिए आए तो बोले खबरदार तुम्हारे पास में इतने समय कहाँ, जो दूसरे को बुराई देखोगे दूसरे की तुम चुगली करोगे, इसलिए तुम छोड़ करके ये चुगली ऐसे भी चीज है ना, इससे तो बढ़िया स्वाद जगत में तो है, जगत में अगर सबसे भी स्वाद है ना इसमें भी चुगली है। इसलिए इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे एक माँ क्या करती है, बच्चा अगर टाटी पेशाब कर दे मैया क्या करते हैं हाथ से उसको साफ करती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे को बुराई करते हैं दूसरे को निंदा करते हैं उनकी दोष देखते हैं, कहते क्या है जैसे जीभ से उसका जो टाटी पेशाब वो जीभ से साफ करता है, जीवा से बोलता है ना, जीवा से करता है। जीवा से करना मतलब क्या है, जिसको तुम बुराई करोगे उसको क्या होगा, उसको तो बुराई तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और जिसको बुराई करोगे उसको खुद साफ हो जाएगा। मतलब उसको माँ टाटी पेशाब का हाथों से करती है, लेकिन जो दूसरों को बुराई करते हैं वो जीवा से उसको टाटी पेशाब को ये जीवा से साफ करता है। मतलब जिसको बुराई करो उसका सारे बुराई, क्योंकि उसका चिंतन करोगे ना किसको अगर की कर रहा है वो, उसको दिमाग में चिंतन होगा, चिंतन अगर होगा तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग किसमें लगा हुआ, दूसरे को बुराई में लगा। इसलिए कभी भी दूसरे को बुराई नहीं करनी चाहिए, हर समय दूसरों को दोष नहीं देख करके उनके अंदर में जो गुण है वो गुण को देखो है। इसलिए कहते हैं ना एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठेगा जहाँ गंदी चीज में, कहते मधुमक्खी कहाँ बैठेगा फूलों में। इसलिए हमें मक्खी नहीं बन करके हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत बताए, कहारी ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता, कहते ये महाप्रभु का एक नाम अजय, अजय मतलब होता है जिनको जय करना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे अजय भगवान भी किसकी वसीभूत हो जाते हैं, बोले काहर नाक पर निंदा जो कभी किसकी चुगली नहीं करते हैं और कृष्ण कृष्ण बोले हर समय जो भगवान का नाम लेते हैं, बोले अजय चैतन्य से तारीफ़ कहने लें, वही व्यक्ति जिस भगवान को जितना बड़ा कठिन वही भक्ति ही भगवान को अनायासा में वसूल कर लेते। तो चैतन्य चरितामृत में बताएं, बोले साधारण व्यक्ति का निंदा करने से जितने पाप हैं, लेकिन अगर कोई वैष्णव को अगर कोई निंदा करे बोले उससे करोड़ों पाप होता है। किसी भजन परायण भक्ति करने वाले व्यक्ति को अगर कोई चुगली अगर कोई निंदा करेगा तो करोड़ों गुण ज्यादा उसके पाप है, करोड़ों गुण ज्यादा बताए। इसलिए उनके लिए तो अलग नरक है, उसको कुंभी पाके जाए तो उसको कुंभी पाके अलग नरक में उसको भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़े जो खतरनाक बताया वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपना माँ को उन्होंने माफी नहीं किया, अपना माँ को तब भी जब बोले सबको महाप्रभु प्रेम दे रहे थे, लेकिन जब माँ को नहीं बुलाए भक्तों ने प्रभु आप तो सबको बुला करके प्रेम दे रहे हो, अपने मैया को भी नहीं बुला रहे हो, बोलो वैष्णव अपराध। अपना माँ को और उनको माँ ने क्या किया, लास्ट में जाकर के अद्वैत का चरण में माफी मांगना पड़ा। कहाँ भगवान की माँ अपना बेटे के चरण में जाकर माफी मांगना पड़ा, तभी महाप्रभु प्रेम देते। यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, अगर किसी वैष्णव चरण में हमारी वजह से अगर किसी वैष्णव को कष्ट होता है हुई है, जा करके तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो तुम जा करके माफी मांगो उसको चरण में, क्योंकि अगर वो असंतुष्ट नाराज हो फिर कभी तुम्हारी भजन नहीं हो सकती, भक्ति कभी हो ही नहीं सकते। तब विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं जब हम वैष्णव चरण में जाकर माफी मांगेंगे हैं, जब वो वैष्णव सचमुच से देखेगा मेरे जो उसने चुगली निंदा की हमें जो कष्ट पहुंचाया सचमुच से इसी के लिए ये सचमुच से पश्चाताप कर रहा है,
ये वास्तव रूप में ही है, इसके लिए दुखी है। जब हमारे आंखों में वो आंसू देखेंगे ना, हमारे आंखों में आंसू देखेंगे वो, अगर हृदय उनकी पिघलता है जाकर के, इसी तरह से तुम्हारी ये अपराध क्षमा होगा, नहीं तो भगवान भी अपराध क्षमा नहीं करते, ठाकुर भी नहीं करते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताए सुलभ पानी समझ दी वैष्णव निंदे, कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, सुलभ पानी मित्र शंकर जी, सुलभ पानी समझ दी वैष्णव निंदे, अगर शंकर जी के बराबर अगर कोई हो, अगर कोई वैष्णव की निंदा करते हैं तब बेतार नाश जाए कहे शास्त्र, तब भी उसकी भी नाश होना पड़ेगा, ये समस्त शास्त्र ही बात को कहता है, तब भी उसकी नाश होगा। अगर शंकर जी जैसे व्यक्ति, भागवत में बताया ना जिस समय शंकर जी की निंदा हो रही थी, निंदा की बात छोड़ दो, जो करेगा तो उसको दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर जो निंदा के समय में जो अनुमोदन करता है बहुत अच्छी बात, भोग दिखाता है, हाँ देखो कैसे मजा हो रहा है। इसलिए जब दक्ष प्रजापति शंकर जी की बुराई कर रहे थे, उस समय जो ऋषि मुनि लोग थे, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे, हैं कोई ऐसे ऐसे आंख दिखा रहे थे, बहुत बढ़िया हो रहा है शंकर जी के ऐसे थे सब रही है, और कोई अपना पहुंच गए बढ़िया आनंद आ रहे, किसने दाढ़ी हिला रहा था, भगवत ने क्या किया, वो गए जा करके बोले शंकर की निंदा के समय में आग दिखा रहा था, तुम्हारी आग रहने का लाइन आग निकाल दी, जो मोज को हिला रहा था उसने उखाड़ दी, जो दाढ़ी हिला रहे दाढ़ी को उखाड़ दी, जिंदा जिंदा किसी व्यक्ति का दाढ़ी को जिंदा जिंदा उखाड़ दो तो कितने कष्ट होता है, कितने कष्ट होता है, उखाड़ दिया कभी, यहाँ तक भी वो यज्ञ में जो आए हुए थे ना, वो यज्ञ में जो देवता लोग आए हुए थे, किसके हाथ थोड़े, किसकी पाल थोड़े, किसकी काटे, मतलब जो वैष्णव अपराध करता है, कहते अगर उसकी साथ भी अगर कोई दे दे, उसकी साथ भी अगर कोई देता है, उनको भी ये दंड नहीं छोड़ता, उनको भी इसलिए दंड नहीं छोड़ा। लास्ट में क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति युक्त तो किया, इतने बड़े व्यक्ति हैं, जब उसने प्रवेश कर रहा था सबके देवा, जिसको स्वागत सारे देवता लोग कर रहे थे, सारे देवता लोग जिनको स्वागत कर रहे थे, इतने बड़े व्यक्ति क्या किया, लास्ट में गला को काट करके अग्नि कुंड में सुहा करके, मतलब दिखाते हैं जो वैष्णव जो अपराध है वो इतने खतरनाक है। महाप्रभु तो कहते हैं भक्ति लता रूपी लता को चर समेत उखाड़ देती, जैसे कभी पेड़ होना पर काट दो तब उसमें शाखा प्रसरा हो ही जाता है, लेकिन अगर किसी पौधा को अगर जड़ से उखाड़ दो क्या होगा, गया भक्ति भक्ति गई तुम्हारी। इसलिए कहते भैया किसी वैष्णव की कभी भी चरण में अपराध मत करो, हमारी वजह से किसको कष्ट नहीं पहुँचेगा, अगर किसको कष्ट पहुँचेगा तो अगर भक्ति करते हुए तो भैया कर्ज माफ नहीं, भगवान तक भी माफ उसको, ठाकुर तक भी उसको माफ नहीं करते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते ताई निजे मंगल लाभ करते पारी ना, इसलिए कहते हमारे दृष्टिता खराब, एक ने हमारे अपर दोष देखी, हम कब दूसरों को दोष देखते हैं, क्योंकि अपना बुद्धि खराब, दोष बुद्धि, इसलिए दूसरों को बुद्धि भी अपना भाव को हम दूसरों को ऊपर आरोप करते हैं, हम जैसे सब ये भी ऐसे होगा, इसलिए ताई निजर मंगल लाभ करते बार ना, इसलिए अपना मंगल काम नहीं करते। आमी अध्यक्ष है पढ़ ले, अध्यक्ष सेवा है तो वंचित हो, गुरुपाद पद में सेवा है तो वंचित हो जाओ, कहते अगर हम अध्यक्ष सिद्ध अगर हो पड़ता है, अध्यक्ष मतलब कि जो इंद्रिय की अधीन है, अगर हम इसी जड़ इंद्रिय की अधीन अगर हो पड़ेंगे तो जो अध्यक्ष जो हमारी इंद्रिय से जो अधीन जो भगवान है कहते तो उनकी सेवा से भी हम वंचित हो जाएंगे, और गुरुपाद पद में सेवा है तो हम वंचित हो जाएंगे, गुरुपाद पद में सेवा से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें ये करनी चाहिए जो गुरु जी जिस व्यक्ति को कभी कभी होता है ना, हम इसको हम प्यार नहीं करते, अगर भैया अपना इच्छा को त्याग देनी चाहिए,
गुरु जी जिसको प्यार करते हैं, गुरु जी को जिसमें अपना इच्छा को इच्छा मिलानी चाहिए, अपना इच्छा में इच्छा नहीं मिलानी चाहिए। हम ये चाहते हम करना चाहते नहीं, उसको भक्ति नहीं कहते। राधा रानी क्या कहती है, कृष्णा अगर हम कृष्ण अगर किसको किसी हम उनकी सेवा करने के लिए हम तैयार, अपना सुख के लिए हम ये चाहते, ये चीज को हमें हृदय से त्याग देनी चाहिए। त्याग देकर के गुरु जी के सुख में सुखी, गुरु जी के दुख में हमें दुखी होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हमारी भक्ति होएगी। अपना स्वार्थ की वजह से, अपना जड़ इंद्रिय कामना की वजह से नहीं, हमारा सुख होनी चाहिए गुरु जी को नहीं। तो गया तुम्हारी भक्ति भक्ति कहाँ, भक्ति भक्ति रही नहीं तुम्हारी, अपना स्वार्थ को देख रहे हो। गुरु जी के स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं। राधा रानी कहती नहीं, कृष्ण अगर प्यार में हमें रोंग डाली, दुख कष्ट प्रदान करे, तभी वो हमारी प्रियता नहीं। अगर और कोई अगर कृष्ण को सुख देते हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए हम तैयार, क्यों हमारे प्रभु अमर प्रभु उनकी वजह से उनको सुख मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते गुरुपाद भक्त में सेवा हो तो वंचित हो जाओ, अमार निजे अमंगल हवार दरु नहीं, परे अमंगल तथा हमार मन पड़े, हमें निजे क्षुद्र युक्त बले हमारे छिद्रानुसंधाने आकृष्ट हई, तेजने हमारा निजे मंगल कर नित्य पारे आर अपर छिद्र देखवार समय है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम अपना अगर मंगल अपना मंगल कर लेते हैं, फिर तो दूसरे की छिद्र देखने के लिए हमारे समय नहीं होगा। इसलिए आमे निजे छिद्र युक्त तो बोले, कहते हम दूसरे के छिद्र क्यों देखती हैं, कहते चूंकि हमारी अंदर में वो छिद्र रखा हुआ है, हमारी अंदर में वो छिद्र है मतलब कमी है, इसलिए हम क्या करते हैं दूसरों के छिद्र को कमी हम कमी देखना शुरू कर देते हैं। कारण है अपना, इसलिए हमारे उसमें बंगला में कहा होते कहते जो जो चालनी है ना जिसमें आटा छानते हैं, छानी वो सुई को कहे बोले सुई है देख तेरे पीछे एक छिद्र है, सुई कहता है मेरे पीछे तो एक छिद्र, तू अपना देख कितना छिद्र तुम्हारे तुम्हारे कितना छिद्र पहले देख, तो हमारे छिद्र देख रहे हो पहले देखो तुम्हारी कितना छिद्र है, तुम क्या करते हो नहीं करते, पहले तो अपने आप देखो फिर तो दूसरे को तुम देखना है। इसलिए कहते हैं हमें छिद्र युक्त बले अपर छिद्र अनुसंधान आकृष्ट भाई, इसलिए हम दूसरों को छिद्र देख रहे हैं। हमार निजे अमंगल हवार दरुणी अपर अमंगल कथा हमारे मन में पड़े, कहते कब दूसरे के अमंगल का बात हमारी याद आता है, क्योंकि अपना ही अमंगल हो रहा है। प्रभुपाद कहते चूंकि तुम्हारी अमंगल हो रहा है और दूसरों का नहीं, इसलिए तुम्हारी अधपतन हो रहा है, तुम्हारी अमंगल हो रहा है, इसलिए तुम दूसरों का अमंगल देख रहे हो, पहले अपना मंगल करो फिर तो दूसरों का मंगल सोचना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसलिए कभी भी दूसरों को छिद्र को नहीं देख करके क्या करो, अपना छिद्र को अपना बंद करो, कमी है उसको दूर करने के लिए कोशिश करो दूसरों को। और वैष्णव जगत में ना अगर हम किसकी अगर मंगल कर सकते हैं फिर तो जाकर के हम किसकी देखनी चाहिए, अगर किसको हम गिराना चाहते हैं, किसको पूरी दृष्टि से किसको गिराना चाहते हैं, कभी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसकी कहते ना अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते कभी किसकी बुराई किसको नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ को प्रभुपाद बारंबार कहते हैं, इसलिए ये चीज को हमें हर समय ध्यान देनी चाहिए। हाँ और बता सकते हैं और एक उपदेश है कहते किसने प्रश्न किया गुरु के भूली ले की असुविधा हवे, किसने प्रश्न किया प्रभुपाद को अगर कोई गुरु जी को अगर कोई भूल जाता है क्या उसका कोई दिक्कत है क्या जीवन में, प्रभुपाद कहते निश्चय बोले जिन्हें प्रति मुहूर्ते आमा के सी और पाद पद में आकर्षण करे रखे हमी से गुरुपात्म पद्म है थे जे मुहूर्त भ्रष्ट हई से गुरुपात्म पद्म विसृत हई
সেই মুহূর্তে আমি নিশ্চয় সত্য হতে বিচ্যুত ভ্রষ্ট হয়েছি। প্রভুপাদ কহতে জব হম শ্রী গুরুজি ভুল যাতে ভুল যাতে আমার জিতনে তরহ কাজ দিক্কত তবে আতে কে নিশ্চিত রূপ মে কে জিস জীব প্রতি মুহূর্তে কে জিস প্রতি মুহূর্তে মে আমাকে শ্রী গুরুপাদম আকর্ষণ করে রাখে কে গুরুজি হমে ক্যা করতে হর সময় হমে কেসে ভগবত ভজন মে হম লগ সকে इसलिए गुरुदेव हमें हर समय की चेष्टा करते हैं। शिव पाद पद्म में आकर्षण करके जो रखते हैं हम सही गुरु पात्म है थे ऐसे जो गुरु जी की है। अगर हम जिस मुहूर्त में हम भूल जाते हैं क्या होता है तब उसी समय में ही हम चुत हो जाते हैं। इसलिए सही गुरु पाद पद्म विशिष्ट है सही मुहूर्त हमें निश्चय सत्य विचुत भ्रष्ट है। जब हम गुरु जी को भूल जाते हैं उसी समय में क्या होता है हमारी हम निश्चित रूप में सत्य से हम विच्युत हो जाते हैं और हम भ्रष्ट वहाँ से भ्रष्ट हो जाते हैं। बोले गुरुपाद पद्म है ते विच्युत है ले असंख्य अभाव राशि आमा के अभिनिविष्ट करे। जब गुरु जी की चरण से हम विच्युत हो जाते फिर क्या होगा गुरु जी की चरण से जब विच्युत हो जाएंगे तब हमारे हृदय में तरह तरह का जो दूसरे दूसरे चीज है आ करके हमारे हृदय में हमारे हृदय को वो ग्रास कर लेता है, है? वो ग्रास कर लेता है। इसलिए आमी ताराकारी स्नान करते दौड़ाई शीत निवारण जन में व्यस्त होई पड़ी गुरुपाद पद मेरे सेवा चढ़ा अन्य कार्य धावी करी। लेकिन हम लोग हर समय क्या करते हैं कहते गुरु जी की सेवा वो छोड़ करके हैं कहते ताराकारी स्नान करते दौड़ाए जल्दी जल्दी जैसे स्नान करें उसके लिए भी हम भागते हैं। अगर कोई ठंडी लग रहा है उसके क्या करते हैं वो ठंडी कैसे दूर होगा उसके लिए भी कोशिश करते हैं, हैं? लेकिन गुरु जी की सेवा को छोड़ करके हम क्या करते हैं अपना सुख के लिए हर समय हम धावित होते हैं गुरु जी की सेवा को छोड़ करके। जे गुरुपाद पद्म आमा के यही सकल द्वितीय अभिनिवेश है ते रक्षा करे वर्ष प्रवृत्ति और मास प्रवृत्ति दीन प्रवृत्ति मुहूर्त प्रवृत्ति प्रारंभ यदि से गुरुपाद पद्म स्मरण न करी तब हम निश्चय ही आरो असुविधाएं पतित होव। यहाँ पर कह रहे हैं कहते गुरुदेव हमें हर समय क्या कहते हैं हमारे जो दूसरा जो अभिनिवेश है पहला अभिनिवेश किया है भगवान की भजन करना भगवान की भक्ति करना। इसलिए गुरुदेव हमें क्या करते हैं हर समय हमारे जैसे दूसरा अभिनिवेश नहीं हो मतलब भगवान की सेवा गुरु जी की सेवा ठाकुर का सेवा छोड़ करके हम और किसी सेवा में नहीं लग जाए। गुरु जी हमें हर समय हमें वही चेष्टा करते हर समय हम भगवान के नाम कीर्तन भजन में अगर लगे रहे गुरु जी हमसे यही तो चाहते ना गुरु जी हमसे क्या चाहते अपना स्वार्थ थोड़ी चाहते यही चाहते हैं हर समय हरि नाम करो भगवान की भक्ति करो भगवान की सेवा करो भगवान का कीर्तन करो भगवान की भजन में ही लगे रहो। गुरुदेव हर समय यही चेष्टा हमारे लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है कहते ये रक्षा करें लेकिन क्या करनी चाहिए हर साल हर महीना हर दिन हर मुहूर्त क्या करनी चाहिए गुरुपाद पद्म की स्मरण करनी चाहिए। इसलिए सवेरे हम उठ करके जब मंगलारती से पहले हम गाते हैं ना संसार दावा नलली न लोक तारण्य तारुण्य घन घन प्राप्त स कल्याण गुणार न बस बंदे गुरु जी चरणार। सर्वप्रथम हम गुरु जी की वंदना करते हैं और जब जय ध्वनि देते हैं उसमें भी जय श्री श्री गुरु गौरांग सबसे पहले श्री गुरु जी की जय देते हैं। इसलिए कहते कहते ना करे तखन आम निश्चय आर असुविधा पतित होइब। जब हर मुहूर्त में गुरुपाद पद्म को हम स्मरण नहीं करेंगे क्या होगा निश्चित रूप में दूसरे दूसरे हमारी असुविधा आकर के तरह तरह का असुविधा आकर के हमारे जीवन में ग्रास करेगा। इसलिए हम कोई भी काम करने से पहले क्या करनी चाहिए पहले गुरु जी से पूछ करके करनी चाहिए अपना स्वतंत्रता से हमें कोई भी काम नहीं करनी
चाहिए हर काम से पहले। अगर कुछ करने जाते हैं गुरु जी से परामर्श लो, गुरु जी क्या ये काम को करें, ये काम करने से क्या हमारे कल्याण होगा, क्या मंगल होगा। इसलिए स्वतंत्र रूप में जो इच्छा होगा हम वो सो करने लग जाए, अपना मनमानी ढंग से करने लग जाए, पर हमारे कल्याण कहाँ से। इसलिए हर काम से पहले गुरु जी को पूछ करके ही कोई काम को करे। हैं भक्ति होने पर भी किस समय प्रभुपाद का समय में प्रभुपाद किसको प्रचार के लिए भेजे, प्रचार करके आप कुछ सन्यासी उन्हें कुछ ब्रह्मचारी को लेकर प्रचार करने के लिए गए, और प्रचार करने के लिए गए तो कई घर कहाँ तक चले गए थे, वो चले गए थे बद्री का आश्रम उस तरफ में कर चले गए। तो जो सन्यासी था सोचा यह कभी यहाँ तक आगे दर्शन करके चले गए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी को भेज दिया जा मठ में चले जाओ, मैं बद्री धाम करके आता। तो बद्रीनाथ गए, जब बद्रीनाथ गए ब्रह्मचारी लोग वापस आ गए तो प्रभुपाद ने पूछा वो कहाँ गया, वो सन्यासी कहाँ गया। बोले हमको तो वहीं से छोड़ दिया, तुम चले जाओ। वो चले गए बद्रीनाथ से। प्रभुपाद सुनकर बड़े दुखी हो, गंभीर हो। जो बद्रीनाथ देख करके आया बोले तुम कहाँ गया था। बोले बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए गया था। बोले मेरे से पूछ करके गया था तुमने बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, और इनको तुम भेज दिया और तुम अकेला गया बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, हैं। बोले जो सन्यासी कपड़ा थोड़े इसको उतार उतार, सन्यासी बनने का तो लायक नहीं, सन्यास कपड़ा उन्हें उतर बोले। बोले सबसे बड़ा कपड़ा इसी कपड़े में। हमारे जो गुरुदेव जब पुरी में थे एक समय सुदर्शन दादा गुरु जी बहुत प्यारे भक्त थे, बहुत सेवा किया गुरु जी जो सोच नहीं सकते कितने उसने सेवा की। जब जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरी में गए थे बिना गुरु जी को पूछे, मेरे गुरु जी को उसने क्या किया, जगन्नाथ जी की मंदिर दर्शन करने के लिए गए। तब गुरुदेव किसी काम से जो सुदर्शन कहाँ गया है। बोले जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन की, जगन्नाथ जी को दर्शन करने की। गुरुदेव तो बोले मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, मेरे को बिना पूछे जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गया। जब गुरुदेव वहीं पर बैठे जब वो आए ना, बोले भगवान दर्शन हो गया, ठाकुर तुमको दर्शन दे दिया, मुक्ति हो गई तुमको। तो एक टूल था एक जैसे इसको नीचे अपना सर को घुसा कर उसको नीचे घुसो, उसको सर करना इसको अंदर में घुसा कर अंदर बैठ गए। गुरुदेव यहाँ पर है बिना गुरु जी के आदेश क्यों गया तुम, गुरु जी का आदेश कृपा के भगवत दर्शन हो जाता है, गया क्यों। इसलिए नियम है कोई भी काम करने से पहले स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी काम नहीं करनी चाहिए, उसमें कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम बद्ध जीव होने का नाते क्या होता है, हमारे इंद्रिया हर समय बहिर्मुख में जाता है, हर समय हमारी इंद्रिया बहिर्मुख भोग प्रवृत्ति में हमें हर समय इंद्रिया खींचता रहता है। जब हम गुरु जी को पूछते हैं अरे गुरु जी अगर उसमें कोई गलती हो, अरे गुरु जी हमें परामर्श देते बेटा ऐसे नहीं करके ऐसे किया करो, ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए हित नहीं कल्याण नहीं, तुम्हारा द्वारा मंगल नहीं होगा गुरुदेव। लेकिन हम बद्ध जीव होने का नहीं जानते हैं, अगर ये काम करेंगे गुरु जी को कुछ तो गुरु जी मना कर देंगे गुरु जी मना कर देंगे कि उसमें अपना इंद्रिय तृप्ति अपना सुख भोग के लिए हम कर रहे हैं, गुरुदेव मना कर देंगे। बद्ध जीव स्वभाव है ना अपना भोग प्रवृत्ति में जाना, गुरुदेव मना कर देंगे। फिर क्या करते हैं गुरु जी को ये बात हम नहीं पूछते हैं। बोले नहीं भैया हर काम गुरु जी को पूछ कर करोगे, अगर कोई गलती काम होगा तो गुरु जी को शासन करेंगे। देखो एक स्टोरी सुनो अच्छे तरह से, ये प्रभुपाद की बात उपदेश उपाख्यान में। बोले एक समय क्या हुआ, कोई राज दरबार था, राज दरबार में कुछ बंदर लोग रहते, बंदर लोग अभी राज का जो बेटा था वो क्या करता था, ये बंदर बहुत सारे बंदर को साथ में खेलता कूदता था, और राजा को जो बच्चा राजा का बेटा उसको जो भोजन बढ़िया बढ़िया मिलता वही बंदर को खिलाया करता था, बंदर भी बड़े खुश थे और बंदर के साथ में खेलता कूदता था। एक दिन क्या हुआ, वो जैसे अलग जगह पर रोसे खालस था, उसको पास में था घोड़ा सा, इसमें क्या होता था एक एक बकरी पास में था, बकरी भी रहते थे, ये बकरी क्या करता था जहाँ पर रोसे बनता था
वो कभी कभी चला जाता है रसोईशाला में और खाना शुरू कर देता है। और वो जो रसोईशाला के जो रसोई बनाने वाला व्यक्ति, उसी समय हाथ में जो डंडा मिलता था ना, वो डंडे को उठा करके वो बकरी को मारना, भेड़ को, वो भेड़ को मारना शुरू कर देता। इतने में वो जो बंदर लोग थे उसमें एक सबसे बुरा बंदर था, बड़ा और चतुर था, और कुछ यंग बंदर थे हैं, कुछ जवान बंदर थे। वो जो बूढ़ा बंदर ने देखा कुछ गड़बड़ हो, बोले क्यों? बोले ये जो भेड़ ये बारंबार रसोईशाला में घुस करके वो खाना खा लेता है, वो रसोईया क्या करता है, सामने जो हाथ में आता है उससे मारना शुरू कर देता है। उसने देखा अगर बाई चांस कभी अगर उसने रसोई बन रहा है कुछ मिला नहीं, जो रसोई बनने का लकड़ी के अगर खींच ले लेकर के अगर वो उसको मारे फिर क्या होगा, वो जो भेड़ का शरीर में लोम है, बाल है, आग लग जाएगी, आग लगेगी तो पास में घोड़ा साल है, अगर घोड़ा साल में बाई चांस चला जाए क्योंकि घास पड़ा हुआ है वहाँ पर, घास भूसा पड़ा हुआ, फिर घोड़ा साल में आग लग जाएगी, अगर आग लग जाएगी फिर घोड़ा को जल जाएगी। जब घोड़ा जल जाएगी, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में बताया अगर कोई घोड़ा अगर जल गया तो है, अगर उसको सही करने के लिए बंदर का जो मैल, उसका जो चर्बी है, ये चर्बी ये घोड़े को सही करने के लिए इसका चर्बी सबसे बढ़िया मेडिसिन है, सबसे बढ़िया। तुम सोच रहे हैं जो घोड़ा बंदर दिमाग लगाया ये मेडिसिन है, इसलिए एक दिन जरूर ये काम होने वाला है, क्योंकि बकरी बारंबार चाहती है, भेड़िया बारंबार घुसना है, बड़ा चतुर था। और अगर जो घोड़ा को सही कर दिया बंदर का क्या कीमत है, अगर पूछेंगे वैद्य को, बोले भैया उसका जो चर्बी जो बंदर का चर्बी ही घोड़े के लिए सही करने के लिए, एक दिन राजा आप सबको खत्म करके उसका चर्बी से घोड़ा सही करेगा, इसलिए पहले से हमें सावधान हो जाए। उसने बुलाया पूरा परिवार, बोले देखो ऐसे ऐसी घटना होने जा रही, एक दिन जरूरी होगा, इसलिए होने से पहले हमें यहाँ छोड़कर चली जानी चाहिए। वो बूढ़ा बंदर ने सबको परामर्श दिया, लेकिन वहां पर यंग बंदर थे, ले जंगल में कहां ढूंढेंगे फल मूल खाएंगे, जंगल में ढूंढ करके यहाँ पर बढ़िया बढ़िया राजभोग मिल रहा है, क्योंकि राजा के बच्चे को जो मिलता है वो खाना खा रहे, बैठी बैठी करके और जंगल में कहां घूमते रहेंगे, फल मूल कहां ढूंढेंगे, ये बूढ़ा बंदर का बुद्धि खराब हो गया। बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे। इतने में बूढ़ा बंदर ने बोले भैया मैं तो जा रहा हूँ, चला गया। सचमुच से एक दिन ऐसे हुआ, वो बकरी बार बार जाता था और उसको सामने मिला लकड़ी, किसका लकड़ी, जलते हुए लकड़ी, मारे मारते ही लग गया आग, और घोड़ा साल पास में था, आग लग गई, घुसते ही जो वहां पर घुस घास था सूखा लग गया आग और जल गए, घोड़ा जल गया, जल गए। वैद्य से पूछे, वैद्य ने बताया इनकी सही करने के लिए बंदर का जो मैद है उसका जो चर्बी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इतने बंदर को पकड़ कर मारे और मार कर उनकी इतना चर्बी से सब घोड़े को सही किए, बाद में ये बूढ़े बंदर को पता चला हमारी मंस खत्म हो गया। लेकिन इनको मैंने पहले समझा रहा था लेकिन ये समझे नहीं। देखो इसमें प्रभुपाद उसमें सिख्या देते हैं, बोले ये बूढ़ा बंदर कौन, बोले गुरु जी है। कहते यंग बंदर कौन है, जवान, बोले उनका जितने चेले ये सब चेले, गुरुदेव उनको बारम्बार शासन करते हैं, बेटा ये नहीं करना, ये गलत काम, किधर जाना नहीं, ये काम नहीं करना, गुरु जी बारम्बार उनको शासन करते हैं। लेकिन अभी जवाब है ना, ले गुरुदेव का कोई काम था नहीं, हर बात में बोलते रहते शासन करते रहते, ये करो ये मत करो, अरे अभी हम जवान हैं, हम जवान हैं तो हैं खाएंगे कूदेंगे, पूरा गुरुदेव खुद भी बूढ़े हो गए और हमें भी भोग से कर नहीं सकते, खुद हमें भी भोग से हमें भी शासन करते रहते गुरुदेव, हमें शासन करते रहते, नहीं हम तो जो चाहे हम करेंगे अपना मनमाने ढंग से, जो चाहे वो काम करेंगे। लेकिन एक दिन सचमुच से क्या होता है, ये माया बड़ी है, माया बड़े आकर्षण है, माया बड़ी बलवान है। सचमुच से एक दिन क्या करता है, माया आकर के उसको उसका जो लूज उसका जो कमी जो कमी तो करते जैसे सुई बन कर घुसेगा और जब निकलेगा ना फाल बन कर निकलेगा है, वो फाल बन करके निकलेगा। एक दिन देखेंगे कहीं भी स्थान नहीं, माया में कहीं फंस करके बस माया में लटर पटर हो रहे, जैसे माया में संपूर्ण डूब गए माया। इसलिए प्रभुपाद इसकी शिक्षा देते हैं हर समय, यद्यपि हमें लगता है इसमें अपना कुछ भोग में कमी होता है, हैं कमी, वही चीज को हम लेकर चलेंगे तो एक दिन जरूर इस जीवन में भगवत प्राप्ति
हो सकते हैं। अपना मनमानी ढंग से कोई काम हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ करने से पहले पूछ करके गुरु जी को हर काम हमें करनी चाहिए, तभी हमारे उसमें सक्सेस होगी। इसलिए हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो जो गुरुपाद पद में है, इसलिए सेवा कार्य भावित है जे गुरुपाद में आमा के सकल देते दिल कर आमी निश्चय आर असुविधा पतित हब। इसलिए गुरुपाद पद को जो छोड़ कर अपने आप करते हैं असुविधा में ही हम गिरेंगे। आमी तो अपन निजे गुरु शास्त्र चाहबो तो मन किया भी स्वयं गुरु बनने के लिए कोशिश करें, हैं गुरु जी को गुरु नहीं बनाएंगे, स्वयं गुरु बनने के लिए चाहोगे, हम स्वयं गुरु बनेंगे, गुरुदेव क्या करेंगे हम सब जानता हूँ। इसलिए अपरे आमा के गुरु बोले पूजा करो, हमार के दुर्बुद्धि ऐसे उपस्थित हवे, बाद में क्या आएगा, हमें सबको क्या करे, आमा के गुरु बोलू, सब हमें गुरु बोले, इसलिए हमें सब पूजा करेंगे, दुर्बुद्धि आकर हमारे दिमाग में, ये दुर्बुद्धि आकर के हमारे दिमाग में बैठेगा, यही द्वितीय अभिनिवेश, इसको ही दूसरे अभिनिवेश कहते हैं। आज जे एक दिन जन्ना गुरु पूजा करते ऐसे ची ता नहीं, प्रति मुहूर्त ही हमारे गुरु सेवा कर्तव्य, एक दिन ही गुरु पूजा करने के लिए आए ऐसे नहीं, क्या करनी चाहिए, प्रति मुहूर्त ही हमें गुरु जी की सेवा करना, प्रति मुहूर्त में गुरु जी की सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है। और प्रमाणी कृपा सिंधु भाई वचन पाप में वैष्णव।